नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा। आप हैं शोभा रसोई में फ्रेंड। आज मैं दलिया की मिठाई बनाने वाली हूँ, जो कुछ कुछ डोनट बर्फी की तरह ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ पहले कर दीजिएगा। और साथ में छोटी सी बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो जल्दी भी बनेंगी और बहुत ही इजी तरीका है मिठाई बनाने, और टेस्टी तो इतना होगा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना इसमें मावे की दरकार है, ना चाशनी की दरकार है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाना। कोई मेजरमेंट ले लीजिएगा, जैसे मैंने इस कटोरी से सवा कटोरी मैंने दलिया ले लिया, और ढाई कटोरी चीनी, चीनी अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, और सवा कटोरी हमने घी ले लिया, और 3 चम्मच हमने दही ले लिया। तो चलिए बनाते हैं। मैंने कढ़ाई ले लिया गरम, कढ़ाई हमारा गरम हो गया, अब इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे दलिया को। दलिया को हम जब तक भूनेंगे जब तक हमारे इसमें भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए। फ्रेंड, ये दलिया मीडियम साइज का है। 3 तरह की आती है, मोटी आती है, मीडियम साइज की आती है, और बारीक भी आती है। तो मेरा दलिया है मीडियम साइज का, आप मोटी भी ले सकते हो और बारीक वाला भी ले सकते हो। तो दलिया हमारा भून गई अच्छा से, ये देखिए, इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। हमने 1.25 लीटर जितना दूध ले लिया है, आप दूध चाहे तो और भी डाल सकते हो। अब इसको हम धीरे धीरे इसे पका लेंगे दलिया को, फिर उसके बाद हम आगे का इसको पकाते भी रहेंगे, हम दूसरा काम भी देखते रहेंगे साथ में, बीच बीच में इसे चलाते हुए। देखिए दलिया हमारा बहुत ही अच्छा से पक गया और दूध में एकदम घुल रही है, मिक्स हो गए। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे दही, जिससे हमारा दूध का लच्छा सा बन जाए, क्योंकि हम इसमें मावा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, पनीर भी नहीं डालेंगे, लेकिन मेरे पास जरा सा पनीर है उसको मैं डाल दूंगी, इसके लच्छे भी बन जाएंगे। और पनीर ना, आप मावा ना डालें तो फुल क्रीम दूध ले लीजिएगा। अगर फुल क्रीम दूध भी ना हो तो आप इसमें मलाई हो तो घर पे फ्रेश मलाई डाल दीजिएगा। तो इसे हम अच्छा से अब पका लेंगे। इसी समय हम 2 चम्मच इसमें घी भी डाल देंगे। धीमी आंच पर पकाते रहेंगे जब तक यह मिश्रण हमारा गाढ़ा ना हो जाए। यह हमारे डो जैसे बन गया, देखिए एकदम मावा की तरह लग रहा है। अब इसके ऊपर हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हो। फिर इसे मिला लेते हैं अच्छा से। चीनी हमारा पिघल गया है, अब इतने में हम कोको पाउडर का घोल बना लेते हैं। क्योंकि ये मिठाई थोड़ा डार्क कलर का होता है तो इसलिए हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। एक में दूध डाल दिया हमने, कोको पाउडर को कभी भी डायरेक्ट मत डालिएगा, दूध में मिला के फिर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर भी डाल देंगे। आपके पास तंदूर कलर है तो तंदूर कलर डालिए, मेरे पास नहीं है, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिए। ये हमने कोको पाउडर मिला लिया, मिक्स कर लिया अच्छा से। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा कर करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें ना डालें, इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे, हम चॉप करके रखे थे, ये देखिए थोड़ा पहले बादाम डाल दिए, अब थोड़ा सा काजू डालेंगे, जितना हमने नारियल कस के सूखा नारियल कस के रखे थे उसको भी डाल देंगे। 2 चम्मच घी अभी और डाल देंगे, थोड़ा सा घी हम बाद में भी डालेंगे, टोटल हमारा 200 ग्राम घी इसमें लग जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर। दो हमारा कढ़ाई छोड़ने लग रहा, घी छोड़ दिया हमारा मिठाई ने,
तो अब इसको हम एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे में हमने बटर पेपर लगा दिया इस तरह से। आप चाहे तो ट्रे में या थाली में घी ग्रीस करके आप उसमें डाल सकते हो, जमा सकते हो मिठाई को। अब लास्ट में हम एक चम्मच घी और डाल देंगे। इसे मिक्स करके हम ट्रे में जमा देते हैं। हमने ट्रे में डाल दिया। ये हमने देखिए डोडा बर्फी थोड़ा मोटी होती है, इसलिए मैंने इसे थिक रखा है। आप चाहे तो पूरा फैला सकते हो, पतला बना सकते हो। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो बचा के रखे थे हमने, गार्निश कर देंगे। फ्रेंड इसे काटने में जल्दबाजी ना करें, इसे 7-8 घंटा ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, फिर बाद में काट लीजिएगा। ये ड्राई फ्रूट को हम थोड़ा सा प्रेस करके दबा देंगे इसके, ताकि इसके साथ बर्फी के साथ हमारा सेट हो जाए। बस इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर कल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड बर्फी हमारा अच्छा से सेट हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार से कटिंग कर लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट है, अभी थोड़ा सा सेट होना, मैं जल्दी काट रही हूँ, थोड़ा सा सेट होना बाकी है अभी भी। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनके तैयार हो गई, और सॉफ्ट और इतना मॉइस्चराइज है ना, तो खा मुँह में घुल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट है, इतनी टेस्टी बनी है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।